बालवीर, बालवीर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। बालवीर, तुमने मेरे दादाजी के साथ अच्छा नहीं किया। आज मैं अपने दादाजी का बदला लेके रहूंगा। रुक जाओ, मैं निर्दोष हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं दोषी हूं तो ठीक है, तुम मुझ पर वार कर सकते हो, लेकिन मैं तुम पर वार नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे वार का जवाब वार से नहीं दूंगा। वार करो मुझ पर। सोच क्या रहे हो रॉकेट बॉय? वार करो, वार करो मुझ पर। दादाजी, अरे अंतरिक्ष दादाजी, आपको पता है मैंने एक नया गैजेट बनाया, मुझे आपको दिखाना है। अच्छा बेटा, दिखाओ। ये देखिए दादाजी, ऑल इन वन कंट्रोल डिस्क। फाइनली मैंने एक गैजेट बना ही लिया। आपको पता है मैं इस डिस्क को किसी भी मशीन पर चिपका के उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। बेटा अंतरिक्ष, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू दादाजी, मैंने और भी बहुत कुछ बनाया है, चलिए आपको दिखाता हूँ। लेकिन बेटा, चलिए ना दादाजी, प्लीज प्लीज प्लीज, चलिए चलिए चलिए। लेकिन चलिए ना, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? आप यहीं रुके, कहीं लेके जा रहे? अच्छा पहले आप आंखें बंद करिए। ओके ठीक है, मैं अभी आया। दादाजी आंखें खोलिए। दादाजी टन टन, ये सब तुमने बनाया? हाँ दादाजी, और आपको पता है ये जो स्केटबोर्ड है ना, मेरे इस डिस्क के कनेक्ट होने से मेरे सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। ये देखिए, फ्लाई लेफ्ट राइट डाउन। और यही नहीं, मेरे सारे गैजेट्स, ये मिसाइल, ये गन, मेरे सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। अंतरिक्ष बेटा, तेरे माँ रैड के एक्सीडेंट में गुजर जाने के बाद मैंने तुझे माँ बाप के प्यार के साथ साथ एक गुरु की शिक्षा भी दी, और अब जब मैं तेरे ये नए नए इन्वेंशन देख रहा हूँ तो मुझे लगता है तूने मेरे प्यार के साथ साथ मेरी शिक्षा का भी मान बढ़ा दिया। मुझे पूरा यकीन है तू मुझसे भी बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। साइंटिस्ट नहीं दादाजी, मैं तो बालवीर की तरह सुपर हीरो बनूंगा, और अपने सारे इन्वेंशंस, सारे गैजेट से सबकी हेल्प करूंगा। बालवीर की तरह मैं दुनिया के सारे बुरे विलेंस का नाश कर दूंगा। रियली प्राउड ऑफ यू माय चाइल्ड, रियली प्राउड ऑफ यू। हो गया, होमवर्क हो गया, तो चलो अभी टीवी देखते हैं। हाँ। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे, जहाँ आज हमारे सामने इंडिया के फेमस साइंटिस्ट आनंद प्रकाश जैन एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। नमस्कार, आज मैं आप सबसे और मेरे प्यारे देश से एक वादा करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने आप सबके लिए और हमारे देश के लिए ऐसी मिसाइल्स तैयार की है जिससे हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा, क्योंकि वो मिसाइल दुनिया की किसी भी कोने में वार कर सकती है। जो आप हमारे देश के लिए कर रहे हैं उसके लिए हम पूरे भारतवासियों को आप पर नाज है। शुक्रिया, लेकिन आज मैं यहाँ अपनी तारीफ बटोरने नहीं आया हूँ,
मैं यहाँ हमारे देशवासियों की सुरक्षा में दिन रात एक करने वाले बालवीर को इनवाइट करने आया हूँ। मैं और मेरा पोता अंतरिक्ष चाहते हैं कि मेरे मिसाइल बालवीर ही सबसे पहले देखे। ठीक है पीजे सर, मैं आपकी मिसाइल देखने जरूर आऊंगा। बलूलू, एपीजे अंकल ने बालवीर को बुलाया, तुझे नहीं। मैं गेस कर रहा था कि अगर मैं बालवीर होता तो क्या बोलता। उसके बारे में सोच मत, पढ़ाई पे ध्यान दे। आनंद प्रकाश जी, मैं आ गया। अरे बालवीर, तुम तो 10 बजे आने वाले थे, 9 बजे आकर तुमने तो हमें सरप्राइज दे दिया। आपकी बनाई हुई मिसाइल देखने की उत्सुकता ने मुझे समय से पहले ही यहाँ बुला लिया। ओके ओके, तुम्हारी उत्सुकता ज्यादा देर खींचूंगा नहीं, चलो आओ मेरे साथ। अरे बालवीर, अब अंतरिक्ष तुम्हारा सबसे बड़ा फैन, दादाजी की बनाई हुई मिसाइल देखने से पहले मेरे बनाए गैजेट देखो ना, प्लीज प्लीज, चलो ना बालवीर प्लीज। एक मिनट रुको अंतरिक्ष, पहले मैं दादाजी की मिसाइल देख लेता हूँ, फिर तुम्हारे यंत्र भी देख लूंगा। अरे नहीं, मैंने गैजेट सजा के रखे, चलो ना बालवीर प्लीज प्लीज। अंतरिक्ष बेटा, बालवीर बाद में तुम्हारे सब गैजेट देखेगा, ओके चलो। बालवीर पक्का आना। हाँ यस, आओ बालवीर। एपीजे सर, ये खुफिया रास्ता। हाँ बालवीर, कुछ बुरे लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे ये सीक्रेट जानने के लिए, लेकिन मैंने किसी को कुछ पता नहीं चलने दिया। आओ। ये देखो बालवीर, यही वो जगह है जहां पे सारी मिसाइल्स रखी गई है। ये बड़े बड़े कवर है ना, इनके नीचे मेरी मिसाइल्स है। अब देखो बालवीर, यहां से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक सीक्रेट जगह पे मिसाइल्स रखी गई है, और मैं यहां बैठे बैठे सारी मिसाइल्स कंट्रोल कर सकता हूं। ये देखो, ये मिसाइल्स आधी बाहर आ गई है। अब मुझे बस इस लैपटॉप में एक पासवर्ड डालना है और ये रेड बटन दबाना है। बटन दबाते ही मिसाइल्स लॉन्च हो जाएंगी। ये मिसाइल्स दुनिया की सबसे पावरफुल मिसाइल्स है। एक बार टारगेट सेट कर दिया तो ये टारगेट पे श्योर शॉट हिट करती है। इतने दिन से ऐसा ही कोई अस्त्र ढूंढ रही थी मैं, जिससे मैं अपने दुश्मनों का अंत कर सकूं। और अब मेरा दुश्मन मुझसे नहीं बच पाएगा। रही थी मतलब? कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो? प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। मैं तो मौके की तलाश में थी और तुमने बालवीर को न्योता देकर खुद ही अपने प्रयोगशाला तक पहुंचने का मुझे मौका दे दिया। पूरा घर ढूंढ लिया,
लेकिन अभी तक पता नहीं चला इस बूढ़े वैज्ञानिक ने अपनी प्रयोगशाला कहां बनाई है। बालवीर, अगर तुम मुझे देख रहे हो तो प्लीज मेरा और अंतरिक्ष का इनविटेशन जरूर स्वीकार करना। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे हमारे घर सुबह 10 बजे। मिल गया उपाय प्रयोगशाला तक पहुंचने का। बालवीर, तुम पहुंचोगे 10 बजे, लेकिन मैं पहुंच जाऊंगी 9 बजे। तुम्हारे मिजाज के राज जानने के लिए मैंने कितनी मेहनत की, लेकिन इससे मेरे 2 काम हो गए। एक, मुझे तुम मिलकर जो मुझे उस यंत्र तक पहुंचाओगे, और दूसरा ये कि बालवीर ने बच्चों के बीच अपनी जो छवि बना के रखी थी वो तो खत्म हो गई। बस अब जल्दी से मुझे अपने मिजाइल्स को लॉन्च करने का पासवर्ड बता दो, ताकि मैं उन मिजाइल्स को लॉन्च कर सकूं, जिसके बाद नहीं, नहीं, मैं वो पासवर्ड कभी नहीं बताऊंगा। प्रोफेसर, अभी तुम्हारा दिमाग गरम, मेरे प्रचंड लोक में कुछ देर कैदी रहोगे तो अपने आप ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर इसने अपना मुंह नहीं खोला, फिर मुझे कुछ भी करके इसके पोते को ऐसा मजबूर करना पड़ेगा कि वो खुद ही उस मिसाइल का पासवर्ड मुझे बता दे। मैं सच बोल रहा हूँ, बालवीर ने ही मेरे दादाजी को किडनैप किया है। देखो, पूरे देश ने टीवी पर देखा है कि खुद तुम्हारे दादाजी ने बालवीर को इनवाइट किया था। फिर तुम खुद सोचो कि बालवीर ऐसा अपराध क्यों करेगा। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? और डॉक्टर एपीजे कहाँ है? सब ठीक तो है ना? एक्चुअली हुआ ये कि बालवीर, तुम मेरे वर्ल्ड के सबसे बड़े सुपर हीरो थे, पर अब तुम मेरे लिए वर्ल्ड के सबसे बड़े सुपर विलन बन गए हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं, कानून हाथ में मत लो तुम। तुम्हारे दादाजी को सही सलामत मैं वापस लेकर आऊंगा। एक काम करो, हम तुम्हारे दादाजी के प्रयोगशाला में जाते हैं, हो सकता है हमें वहां कोई सुराग मिल जाए। नहीं, मैं तुम्हें अपने दादाजी के लैब में दोबारा नहीं जाने दूंगा। चले जाओ यहां से। गेट आउट फ्रॉम हियर। कोई मेरी बात पर बिलीव नहीं कर रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो बालवीर ही था। बालवीर, तुमने मेरे साथ चीटिंग की है। मैं तुम्हें अपना हीरो मानता था, हीरो, फिर भी तुमने विलेन वाला काम किया। क्यों, क्यों मेरे दादाजी को किडनैप किया तुमने? आई हेट यू बालवीर, आई हेट यू। तुम्हारी तरह सुपर हीरो बनने के लिए नए नए गैजेट बनाता रहता था, ताकि मैं सबकी मदद कर सकूं। पर अब मैं उन्हीं गैजेट्स का इस्तेमाल तुमसे लड़ने के लिए करूंगा। आज के बाद तुम्हारा सामना अंतरिक्ष से नहीं, रॉकेट बॉय से होगा। रॉकेट बॉय से। अभी दिलो मोंटू, तू जाएगा कि खाएगा? जाएगा, चलो। सिर्फ ये बोल रहा है ना
इसीलिए मैं जा रहा हूं। अरे क्या यार मोंटू, मैंने अपनी फाइल सेव भी नहीं की थी। अंतरिक्ष को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई, मुझे एक बार फिर से उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए। हेलो बालवीर, आई एम रॉकेट बॉय। मैं तुम्हें वार्निंग देने आया हूं कि तुम एक घंटे के अंदर अंदर साइंटिस्ट आनंद प्रकाश जैन को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे फ्रेंड्स पे अटैक करना शुरू कर दूंगा। माना, ये रॉकेट बॉय कौन है? अरे बालवीर को ऐसा क्यों बोल रहे? ये वो एपीजे को छोड़ दे, पता नहीं। सैंपल देखोगे मेरे पावर का? मानव, ये जो टावर दिख रहा है वो हमारे स्कूल के पास ही है ना? हाँ, इसका मतलब रॉकेट बॉय हमारे स्कूल के पास है। मानव, बाल सखी और बाल मित्र बनने का समय आ गया। बालवीर, बालवीर देखी मेरी पावर, देखी मेरी और दिखाओ। रुक जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ रॉकेट बॉय, तुम्हें बालवीर की दोस्तों से मिलना था ना? लो हम आ गए, लेकिन तुम हमें जितना कमजोर समझते हो उतने हम हैं नहीं। और तुम जैसे कार्टून को हराना हमें अच्छी तरह आता है। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। अच्छा हुआ अंतरिक्ष, तुम मुझे घर में ही मिल गए। मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करने आया हूँ, मेरी बात को समझो। तुम जैसे समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। देखो मेरी बात मानो, इस सब के पीछे किसी बुरी शक्ति का हाथ है। मुझे कुछ नहीं सुनना, चले जाओ यहाँ से, get out! अंतरिक्ष, अभी तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैं तुम्हारे दादाजी को ढूंढ कर यहाँ वापस लेकर आऊंगा तब तुम्हें समझ आएगा कि सच क्या है। रॉकेट बॉय, देख ली बालवीर की दोस्तों की पावर? ये बेचारा अटैक करने आया था पर खुद ही हमारा शिकार बन गया। फायर! बालवीर, तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझते थे ना, पर मेरे इस 3D इमेज वीडियो ने तुम्हें कितनी आसानी से बुद्धू बना दिया। हेलो रॉकेट बॉय, तुम कौन हो? तुम्हारी दोस्त
और बालवीर की दुश्मन प्रचंड का। वैसे दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने बालवीर के मित्रों का सामना करने की हिम्मत की है। बहुत शक्तिशाली हो, बाल सखी को लेकर मेरे साथ चलो। बालवीर को हराने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो तो अब मुझे समझ में आया कि रॉकेट बॉय एपीजी की आजादी क्यों मांग रहा था। मुझे लगता है कि रॉकेट बॉय एपीजी का पोता अंतरिक्ष है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं है, रॉकेट बॉय जब यहाँ पर तुम्हारे साथ लड़ाई कर रहा था तब अंतरिक्ष उसके घर पे था। एक ही इंसान दो दो जगह पर एक साथ कैसे हो सकता है? यही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा बालवीर, रॉकेट बॉय ने स्कूल के सारे कंप्यूटर्स को कैसे कंट्रोल कर लिया? स्कूल के सारे कंप्यूटर्स इसी टावर से कंट्रोल होते हैं ना? हो सकता है हमें वहां पर कोई सुराग मिले। चलो कुछ नहीं सुनना, चले जाओ यहां से। Get out from here! देखो अंतरिक्ष, मैं जानता हूं कि तुम्हें अपने दादाजी के अपहरण होने का दुख है, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो गलत है। हमें सच सच बताओ, बाल सखी कहां पर है? मुझे कुछ नहीं सुनना, चले जाओ यहां से। Get out from here! मुझे कुछ नहीं सुनना, चले जाओ यहां से। Get out from here! कुछ नहीं सुनना, चले जाओ यहां से। Get out from here! मुझे कुछ नहीं सुनना, चले जाओ यहां से। Get out from here! अंतरिक्ष! बालवीर, इसका मतलब ये अंतरिक्ष नहीं है, उसका होलोग्राम है। ये 3D वीडियो है बालवीर। मुझे लगता है कि इस खेल के पीछे किसी बड़े खिलाड़ी का हाथ है जिसने एपीजे का अपहरण किया है मिसाइल्स का राज जानने के लिए। अगर आपको पता है कि बालवीर ने मेरे दादाजी को कहां छुपा के रखा है तो चलिए ना, हम लोग जाके छुड़ा लेते हैं उनको। नहीं, तुम वहां नहीं जा सकते, वो जगह बहुत खतरनाक है। और बालवीर वो उन मिसाइल्स के पासवर्ड जानने के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसी कौन सी जगह है? ये है वो जादुई कारावास। इसकी चाबी बालवीर के गले में थी। देखो उसकी गले में, किसी तरह मैंने वो चाबी निकाल ली और बालवीर को पता चल गया और बालवीर चौकन्ना हो गया। तो अब दादाजी को कैसे छुड़ाएंगे? देखो तुम जाओ और बालवीर से लड़ो, अंत कर दो उसका, ताकि बालवीर कारावास तक नहीं पहुंच सके।
और मैं कारावास तक पहुंचकर तुम्हारे दादाजी को छुड़ा सकूं। ओके, मैं बालवीर को जेल तक नहीं पहुंचने दूंगा। उसने मेरे साथ चीटिंग की है ना, तो अब मैं भी उसके साथ चीटिंग करूंगा। बच्चों को झूठी कहानी से बेवकूफ बनाना कितना आसान होता है। मैं तुम्हें अपने जाल में ऐसे फंसाऊंगी कि तुम खुद मुझे मिसाइल्स का पासवर्ड बताओगे। बालवीर, तुम्हारी फ्रेंड बाल सखी ने मेरी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दी। मुझे पता चल गया है कि तुमने मेरे दादाजी का किडनैप नहीं किया। आई एम सॉरी बालवीर, मैं अपनी गलती मानता हूँ और मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी फ्रेंड बाल सखी को लेकर AVP विद्या मंदिर स्कूल आ रहा हूँ। प्लीज तुम भी आ जाओ। वो बाल सखी को लौटाने की बात कर रहा है, हमें देरी नहीं करनी चाहिए, चलो जल्दी बालवीर। नहीं बाल मित्र, हो सकता है कि वो बाल सखी को अपनी ढाल बनाकर आप पर और बालवीर पर फिर से आक्रमण कर दे। आप सही कह रही है, लेकिन उसकी चाल को समझने के लिए हमें वहां पर जाना ही होगा। ठीक है बालवीर, आप जाइए, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। चलो बाल मित्र। बता इनको कि रॉकेट बॉय को किसने कन्विंस किया सरेंडर करने के लिए? मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी ने। अरे रॉकेट बॉय, रॉकेट बॉय, रॉकेट बॉय। बहुत हंसी आ रही है तेरे को? हाँ, मैं तुम लोगों को बता रहा था कि अगर रॉकेट बॉय आएगा ना तो कैसे अपनी जान बचानी चाहिए, समझा? दोस्तों, रॉकेट बॉय यहाँ पर आ रहा है। क्या? जल्दी से यहाँ से चले जाओ। भाग रोहित। बाल मित्र, तुम्हें पता है ना कि हमें क्या करना है? हाँ बाल मित्र, सब पता है। जाओ, जाके छुप जाओ। नहीं बाल मित्र, अंत हमेशा बुराई का होता है और रॉकेट बॉय सच्चा और अच्छा है। तुमने देखा नहीं, उससे सरोनी पर वार नहीं किया। इसका मतलब कोई उसे अपना मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। मैंने उसके ऊपर एक यंत्र लगा दिया है जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो कहां पर जा रहा है और किसने उसे अपना मोहरा बनाया है। बाल मित्र, तुम एक काम करो, बेटा संभालो अपने आप को। अच्छा।
अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया, मैं बहुत डर गया था। आप तो फेमस साइंटिस्ट है ना, आनंद प्रकाश जैन। हाँ लेकिन तुम कौन हो? मैं बाल सखी हूँ, बालवीर की दोस्त। लेकिन मुझे लाया कौन? वही प्रचंडिका। प्रचंडिका? मुझे आप प्रचंडिका लेकर आए? लेकिन मुझे तो उस रॉकेट बॉय ने किडनैप किया था। रॉकेट बॉय कौन? पता नहीं, पर वो स्केटबोर्ड पे आया था और उसने छोटे छोटे मिसाइल से एवीपी स्कूल पे अटैक भी किया था। और हाँ, उसने बालवीर को ये चेतावनी भी दी थी कि साइंटिस्ट एपीजे को वो छोड़ दे। वो स्केटबोर्ड पे आया था? हाँ। और उसने मुझे छोड़ने की बात की? हाँ। इसका मतलब वो रॉकेट बॉय जरूर मेरा पोता अंतरिक्षी है। क्या? इसका मतलब पहले प्रचंडिका ने बालवीर के रूप में मुझे किडनैप किया और फिर सारा दोष बालवीर पे डाला और फिर उसने मेरे पोते के कान भर के उसे बालवीर का दुश्मन बना दिया जिसे वो अपना हीरो मानता था। आप चिंता मत कीजिए अंकल, बालवीर है ना वो सब ठीक कर देगा और आपका पोता अंतरिक्ष वो भी सही रास्ते पे आ जाएगा। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? और ये लैपटॉप, ये तो दादाजी का है। तुम्हारे दादाजी ने मुझे दिया, मैंने तुम्हारे दादाजी को कारावास से बचा लिया। लेकिन ऐन मौके पर वो दुष्ट बालवीर वहां आ पहुंचा, उसने तुम्हारे दादाजी को भी पकड़ लिया और मुझ पर भी कई वार किए, लेकिन मैं जैसे तैसे वहां से निकल आई। मैं उस बालवीर को नहीं छोड़ूंगा, एक बार मुझे मात क्या दे दी वो क्या सोचता है मैं हार गया। रुक जाओ, बालवीर बहुत शक्तिशाली है, हम दोनों मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो तुम्हारे दादाजी के ये मिसाइल्स ये बालवीर का अंत कर सकते हैं। तभी तो तुम्हारे दादाजी ने मुझे ये दिया और कहा कि चारों के चारों मिसाइल बालवीर पर छोड़ दे। इससे पहले कि मैं उनसे पासवर्ड मांगती, वो बालवीर वहां पहुंच गए। पासवर्ड? इसका तो पता मैं लगा सकता हूं। अच्छा? तो फिर जल्दी करो, अगर हमने ये मिसाइल्स बालवीर पे लॉन्च नहीं किए तो तुम्हारे दादाजी को नहीं बचा पाएंगे। बेचारा बेवकूफ बच्चा कितने आसानी से मेरे चंगुल में आ गया। मैं तो यही चाहती थी कि तुम खुद बालवीर से इतने तंग हो जाओ कि उसको खत्म करने के चक्कर में मेरा हर कहा मानो। आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है प्रचंडिका, मैंने रॉकेट बॉय पर एक यंत्र लगाया था ये जानने के लिए
कि रॉकेट बॉय किसका मोहरा है। उस यंत्र की मदद से मैं उसका पीछा करते हुए यहां तक पहुंच गया। रॉकेट बॉय, इसकी बातों में मत आना। और ये अफवाह की लड़ाई है, जाओ और आक्रमण करो, अंत कर दो बालवीर का। देखो रॉकेट बॉय, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये बालवीर यहाँ आया है तो बाल मित्र जरूर उस बूढ़े वैज्ञानिक को मेरी कैद से छुड़ाने गया होगा। मुझे वहाँ जाना चाहिए। वैसे भी बालवीर रॉकेट बॉय पर वार नहीं कर रहा, इसीलिए रॉकेट बॉय आसानी से उसका अंत कर देगा। रॉकेट बॉय, छोड़ना मत इसे, पूरी शक्ति से आक्रमण करो। रुको प्रचंडिका, लगता है यहां कोई आ रहा है। बाल मित्र, तुम यहां छुप जाओ। यहाँ पर कोई आया था? प्रचंड का, अगर यहाँ कोई आया होता तो हम दोनों भाग नहीं जाते। झूठ मत बोलो। बाल मित्र जरूर आया होगा। अरे प्रचंड का, वो डरपोक है, वो कैसे आ सकता है? लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं दोषी हूं तो ठीक है, तुम मुझ पर वार कर सकते हो, लेकिन मैं तुम पर वार नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे वार का जवाब वार से नहीं दूंगा। वार करो मुझ पर। वार करो मुझ पर। अंतरिक्ष। दादाजी, तू ठीक तो है ना? अब तक नहीं था दादाजी, लेकिन अब ठीक हूँ। बालवीर, I'm very sorry, मैंने तुम पर शक किया। कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि मैं निर्दोष हूँ? जब प्रचंडिका ने मुझे कहा कि तुम पर अटैक करो और खुद भाग गई तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, और फिर मैंने देखा कि तुम मुझ पर हमला ही नहीं कर रहे थे, तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि तुम निर्दोष हो।
बेटा, मुझे प्रचंडिका ने ही किडनैप किया था। आज अगर ये बाल मित्र और बाल सखी ना होते तो आज तेरा दादा भी ना होता। थैंक यू बाल सखी, थैंक यू बाल मित्र। बालवीर, मिसाइल तो लॉन्च हो चुके, अब कुछ नहीं हो सकता। सही कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं रोक सकता इन मिसाइल्स को। पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी, तबाह। रुक जाओ बाल सखी, बाल मित्र, हमें सबसे पहले मिसाइलों को रोकना होगा। लेकिन मिसाइल को रोकना नामुमकिन है। नहीं दादाजी, चार मिसाइल्स के सामने अब चार सुपर हीरोज हैं। लेट्स डू इट। Deactivate missile.